नमस्कार, नमो नारायण। आपका हिंदी मधुर गीत ज्ञान YouTube चैनल में स्वागत है। भोजन के वैदिक नियम। मनुष्य को बल, आयु, रूप और गुण प्रदान करने वाला भोजन महज स्वाद के लिए खाई जाने वाली चीज नहीं है। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में भोजन के वैदिक नियम बताए गए हैं, जिनका आधार शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा और मनोविज्ञान है। कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं। पहला, वशिष्ठ स्मृति स्कंद पुराण के अनुसार भोजन हमेशा एकांत में ही करना चाहिए। दूसरा, पद्म पुराण, सुषुत संहिता और महाभारत के अनुसार दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन पांच अंगों को धोकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला शतायु होता है। तीसरा, स्कंद पुराण के अनुसार भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। चौथा, महाभारत तैतिरीय उपनिषद के अनुसार परोसे हुए भोजन की निंदा नहीं करना चाहिए, वो स्वाद में जैसा भी हो उसे प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। पांचवा, स्कंद पुराण के अनुसार रात में भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। छठा, मनुस्मृति सुश्रुत संहिता के अनुसार सोने की जगह पर बैठकर खान पान न करें, हाथ में लेकर भी कुछ न खाएं, अर्थात पात्र में लेकर ही खाएं। सातवां, नीत वाक्यामृतम के अनुसार शरीर बहुत थका हुआ हो तो आराम करने के बाद ही कुछ खाएं पिएं। अधिक थकावट की स्थिति में कुछ भी खाने से ज्वर या उल्टी होने की आशंका रहती है। आठवां, मन स्मृति के अनुसार जूठा किसी को ना दें और स्वयं भी ना खाएं, चाहे वो आपका छोड़ा हुआ खाना ही क्यों ना हो। भोजन के बाद जूठे मुंह कहीं भी ना जाएं। नवा, चरक संहिता के अनुसार जो सेवक स्वयं भूख से पीड़ित हो और उसे आपके लिए भोजन लाना पड़े तो ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो आपके प्रति प्रेम स्नेह नहीं रखता उसका खाना भी नहीं खाना चाहिए। दसवां, बौधायन स्मृति कूर्म पुराण के अनुसार खाने की चीज़ों को गोद में रखकर नहीं खाना चाहिए। ग्यारहवां, कूर्म पुराण के अनुसार अंधेरे में आकाश के नीचे देव मंदिर में भोजन नहीं करना चाहिए। सवारी या बिस्तर पर बैठकर जूते चप्पल पहने हुए और हंसते या रोते हुए भी कुछ नहीं खाना चाहिए। धन्यवाद। नमो नारायण।